युवक युवतियों के माँ बाप के लिए चेतावनी, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्पेशली ये माँ बाप के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिनके बच्चे, लड़का हो या लड़की, ये 13-14 साल से लेके 25-26 साल के उम्र में है, वो रेंज में उनके लिए। क्या आजकल पॉर्न वीडियोस, सेक्स के वीडियोस, सेक्स एजुकेशन, सेक्स के बारे में चर्चा, ए ग्रेड की मूवीज, बड़े लोगों के लिए बनाई गई मूवीज, ऐसे काफी सारी जो कम्युनिकेशन के जो मीडिया है, माध्यम है, उसमें से लोगों का एजुकेशन हो रहा है, बच्चों का एजुकेशन हो रहा है, उनको ज्ञान आते जा रहा है, और बहुत सारे बच्चे उसमें होमोसेक्सुअल बन रहे हैं। जो मेल टू मेल रहते हैं वो है गे, उनको गे बोलते हैं। फीमेल टू फीमेल जिनका अट्रैक्शन है, लगाव है, उनको बोलते हैं लेस्बियन। जो मैंने पिछले 37 साल से प्रैक्टिस में देखा नहीं, वो अभी मैं देख रहा हूं। अभी कुछ महीनों में मेरे पास में कम से कम 10 ऐसी लेडीज को लाया, लड़कियों को लाया माँ बाप ने, कि वो लेस्बियन है, उनका लड़की के साथ में रिश्ता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, और वो लड़की लड़की रहना चाहते हैं। कम से कम 50 अभी तक जो लोगों ने मेरी तरफ ट्रीटमेंट ली हुई है, ऐसे है कि जो गे है, होमोसेक्सुअल है, लड़के जिनका लगाव लड़के के तरफ है, लड़के का, और वो अपना जीवन साथ में बिताना चाहते हैं। अब ये माँ बाप को मालूम कब होता है? माँ बाप को मालूम होता है जब वो उनको शादी के लिए बोलते हैं। तो सबकी कहानियां एक जैसी है कि शादी के लिए, अभी जो मेरे पास में लड़की लाई थी, उसके लिए माँ बाप ने रिश्ते लाए। लड़की 25 साल की है, हाईली एजुकेटेड है, और जब रिश्ते लाए तो वो रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ गलतियां निकालनी उसने चालू किया लड़के के लिए। अब 3-4 लड़के ऐसे उसने देखा, बोला कि नहीं ये लड़का ऐसा, वो लड़का ऐसा, ये फैमिली ऐसी नहीं है। अब माँ बाप को लगा कि इतने अच्छे अच्छे लड़के ये ना बोल रही है, क्या बात क्या है, समझ में नहीं आ रहा था उनको। और अचानक एक दिन लड़की गायब हो गई घर से, और वो सीधा उत्तर प्रदेश चली गई, जहाँ उसका दूसरे लड़की के साथ में एक अट्रैक्शन हुआ था, और वो भी फेसबुक से। वहां वो गई, इन्होंने यहाँ मिसिंग की कंप्लेन किया पुलिस के तरफ, और उनको फिर पुलिस ने जानकारी किया, ढूंढना निकाला, ढूंढ के निकाला, कांटेक्ट हुआ। अभी वो हम डिटेल में जाएंगे नहीं, मगर उनको मालूम पड़ा कि ये उत्तर प्रदेश में ये जगह पे है, ये सिटी में है। वहां गई तो वहां वो आने को तैयार नहीं है, बोलती नहीं मुझे यहीं रहना है। उन्होंने वहां कोर्ट में अप्लाई किया, पुलिस के, यहाँ की पुलिस उधर गई महाराष्ट्र की, उन्होंने वहां के पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, कोर्ट में उन्होंने अर्जी किया कि भाई ये मेंटल पेशेंट है, ऐसा उन्होंने वहां बताया कोर्ट में। और कोर्ट को भी ऐसा लगा, उसके हाव भाव से बोलो, चेहरे पे से बोलो, उनके पास में, माँ बाप के पास में उसके पहले ट्रीटमेंट के कुछ कागज थे, जिसमें वो एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट लिया था, तो वो उन्होंने कागज बताया। और फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अभी ये लड़के को महाराष्ट्र के पुलिस के ताबे में दिया जाए, और महाराष्ट्र के पुलिस ने फिर माँ बाप के ताबे में दिया। अब वो मेरे पास में आए कि अभी उसको इलाज करो। अभी हम इलाज इसका क्या करेंगे? अभी तो कोई ये ऑफेंस नहीं है लीगली, अभी हमारे देश में ये अलाउड है सेम सेक्स साथ में रहना, ये कोई क्राइम नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप तो ऐसे तड़प रहे, उनकी जान इतनी जल रही है कि भाई इतनी लड़की पढ़ाई लिखाई उसकी किया अभी तक, और ये ऐसा कैसा कर सकते। लड़की बोलती कि नहीं मुझे तो वो लड़की के साथ में रहना है, और वो लड़की के साथ में मैं रहूंगी, और मैं फिर से भाग जाऊंगी। इनका जी जान ऐसा, मतलब ये हो रहा है उनका, और वो मेरे पास में लाए, मैंने बोला कुछ नहीं कर सकते। अभी बहुत टाइम गया हुआ है, क्योंकि मैंने लड़की को पूछा है तेरे को कब से ऐसा अट्रैक्शन है, कब से, तो उसने बोला कि पिछले 10 साल से है, 10 ईयर्स। और वो एक लड़की के साथ में थी उसके सिटी में, मगर उनको कभी मालूम ही नहीं पड़ा माँ बाप को, क्योंकि ऐसा दिमाग में आता नहीं कि लड़की लड़कियां, दो लड़कियां साथ में रहती है, साथ में पढ़ाई कर रही है, साथ में आराम, क्या बोलते हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड है। तो ये फास्ट फ्रेंड जो है वो लेस्बियन कब बन जाएंगी और कब होगी मालूम ही नहीं पड़ा इनको। और अभी वैसे ही लड़कों का हो रहा है, बहुत सारे लड़के ऐसे कि बोलते हैं हमको इच्छा ही नहीं है, अट्रैक्शन हमारा मेल के तरफ है, और वो भी पैसिव पार्टनर जो है वो ज्यादा लोग हैं, पैसिव पार्टनर मतलब वो लेते हैं होमोसेक्स में, गे जब है तो। और गे जो है उसमें दो टाइप है, एक टाइप ऐसा है कि बोलते हैं कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है, हमको यही जिंदगी जीना है, और दूसरा एक क्लास है कि बोलते हैं कि नहीं हमको अभी ये बंद करना है, और मुझे अभी लड़की के साथ में शादी करना है। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको बदलने का है, हमको ट्रांसफॉर्म होना है, वो लड़की रहो या लड़का रहो, तो उनको हम हिप्नोथेरेपी करके उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, संभव है, पॉसिबल है, और हमको अच्छे रिजल्ट्स उसमें आए हैं। ओवरनाइट तो कुछ इसमें होता नहीं है। जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, बार 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 सजेशन देते हैं, विजुअलाइजेशन करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, इमेजिनेशन करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें धीरे 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 फर्क पड़ता है और वो अच्छे हो जाते हैं। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को इलाज किया कि जो बाद में उन्होंने लड़कियों के साथ में शादी की और वो अच्छे हो गए। मगर जब वो तैयार नहीं है लड़का, बोलता कि नहीं मेरे को नहीं इलाज करना है,
तो जबरदस्ती उसका इलाज होता नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये भी कोई बीमारी मानी जाती नहीं है, अब ये लीगली अलाउड है। तो फिर इसके लिए क्या है, इसके लिए माँ बाप ने पहले से ही, यदि उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इन्होंने इस तरह की जिंदगी नहीं जीना है, तो माँ बाप ने पहले से देखना चाहिए कि अपना लड़का क्या कर रहा है, किसके साथ में है, इतना क्लोज कैसा क्या दोस्त के साथ में रह सकता है, ये दिमाग में द बैक ऑफ द माइंड रखा कि नहीं भाई होमोसेक्सुअल तो नहीं है, ऐसा बैक ऑफ द माइंड रखा और वो हिसाब से देखते गए, ऑब्जर्व करते गए, तो हो सकता है कि काफी अर्ली इसमें पकड़े जा सकते और फिर बाद में पछताने की नौबत नहीं आएगी। तो माँ बाप को ये चेतावनी है कि भाई, और सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, बाकी भी बारे में कि भाई अपना लड़का करता क्या है, कौन से कंपनी में है, उसको कुछ लत लग गई क्या, शराब पीता है क्या, कोई गांजा विंजा पीता है क्या, कोई ब्राउन शुगर की लत लगी है क्या, या कोई और दूसरी लत है, वो कौन से कंपनी में है, कंपनी मतलब दोस्तों की कौन सी कंपनी है, पढ़ाई कर रहा है क्या सचमुच, उसको पॉन एडिक्शन, तभी इतना हो गया लोगों को पॉन एडिक्शन है क्या, ये कंप्यूटर के गेम्स का एडिक्शन हुआ है, मोबाइल के गेम्स खेलते रहता है उसका एडिक्शन हो चुका है क्या, अकेले अकेले रहता है क्या, वो बहुत ज्यादा अकेले अकेले रहना, किसमें किससे बातचीत नहीं करना, किसमें घुलना मिलना नहीं, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा वो माँ बाप यदि ख्याल देते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो 5-10 साल के बाद में उनको मालूम पड़ता क्या ये ऐसा कैसा हो गया, फिर लाते भी इसका इलाज करो, कुछ नहीं होता उसमें, क्योंकि एक बार ब्रेन पैटर्न पक्के हो गए तो बाद में क्या आप करेंगे, कौन सी दवा देंगे, इसलिए कोई दवाई थोड़ी है कि वो दवाई देके उसका इलाज करेंगे। हाँ, कोई यदि साइकोटिक हो गया, कोई यदि मेंटली इल बन गया पेशेंट, तो फिर उसका इलाज कर सकते कि भाई मानसिक बीमारी उसको होगी तो फिर इलाज कर सकते, अन्यथा बाद में कुछ इलाज कर नहीं सकते। तो ये माँ बाप को चेतावनी है, देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, अलर्ट रहो, ताकि बाद में पछताने की नौबत नहीं आएगी। ये वीडियो आपको लगता है कि ये बाकी लोगों के लिए काम में आएगा तो जरूर ये वीडियो को शेयर करो। ये चेतावनी है सभी माँ बाप को जिनके बच्चे 10-12 साल के अभी हो गए। थैंक यू वेरी मच।